भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव भले ही अभी टल गए हों, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े पदाधिकारियों के दिलो दिमाग में एक बात हमेशा कायम रहती है कि देश में खेलों का विकास कैसे तेज गति से किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा समेत कई खेलों और फेडरेशनों से जुड़े पदाधिकारी वेस्ट यूपी के मेरठ जिले में बागपत रोड स्थित गॉडविन होटल में जुटे और औपचारिक वार्तालाप किया। शनिवार की रात होटल के सभागार में भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा और महासचिव जितेंद्र सिंह बाजवा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, एशियाई एथलेटिक्स संघ के सचिव ललित भनोट समेत तमाम पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर बत्रा ने कहा कि वुशु संघ ने काफी तेजी से तरक्की की है। इसके लिए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा ने तन मन और धन से लगकर इस खेल को जन जन तक पहुंचाया है। कहा कि उन्होंने खुद साई सेंटर को देखा और बच्चों को वुशु के प्रति आकर्षण को महसूस किया है। भविष्य में भी वो इनसे जुड़े रहेंगे और विकास के लिए प्रेरित करेंगे। आगामी एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां भी जोरों से की जाएंगी। इससे पहले अखिल भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों और विभिन्न खेल संघों के दिग्गजों ने आपस में बैठकर अनौपचारिक विचार विमर्श किया। हमारे साथ आए हैं, पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ बाजवा जी का, जिन्होंने बहुत दिन से हमें कह रहे थे यहाँ पर आओ। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वुशु और भी अच्छा करेगा और प्यार जो बाजवा जी से है वो बना रहेगा। और जिस प्रकार की बाजवा जी को हमारी हमें सपोर्ट मिली है बाजवा जी की, हमें ये कंटिन्यू रहेगी और हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाकर खेल को आगे बढ़ाने का जो हमारे कार्य है वही करेंगे बजाय पॉलिटिक्स करने। थैंक यू वेरी मच बाजवा जी। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 19 दिसंबर को गुवाहाटी में होने वाले थे, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण फिलहाल टल गए हैं। शनिवार को जुटे भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने आपस में बैठकर भविष्य को लेकर अनौपचारिक बातचीत की और कहा कि वक्त का इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि देश में खेलों के प्रति समग्र विकास के लिए हम सब की अहम जिम्मेदारी है। इस मौके पर एथलेटिक्स संघ के सचिव आदिल सुमारीवाला, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मिलेंदो, जैकिंग के SM हाशमी, ताइक्वांडो संघ के रामदेव, अंडमान निकोबार से आए भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव मोहम्मद सयाद, सचिव सपन बनर्जी, IOA के उपाध्यक्ष कुलदीप वत्स, भारतीय वुशु संघ के CEO सुहैल अहमद आदि मौजूद थे। उसी क्लॉज में तो 2017 में भी इलेक्शन हुई थी, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उस वक्त राहुल मेहरा को एतराज क्यों नहीं था। उस वक्त हमारा सेक्रेटरी जनरल राहुल मेहरा से मिलकर जो कि एक ये फिक्स मैच खेल रहा है IOA का, और तीसरा गवर्नमेंट भी उस टाइम पार्टी थी, उस टाइम एतराज क्यों था, अचानक 2021 में क्यों ये उठे, उसकी इश्यू क्या है। बट जो भी है हम मिल बैठ के सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके पास 160 में 123 लोग आपके पास तो पूरी मेजोरिटी भी थी सब कुछ, और पूरा जिस तरह से इन्होंने किया, आपको लगता है कि पूरी साजिश है डिस्टर्ब करने की पूरे सिस्टम को? देखिए, मैं साजिश से किसी चीज़ में नहीं जाऊँगा। हमारा इतना ही कहना है कि हम अभी गवर्नमेंट से कमिंग वीक में बैठेंगे भाई, उनकी जो भी कोई माइंड में कन्फ्यूजन है, इश्यू है, जो भी हम उसको रिजॉल्व करेंगे। IOA और सरकार को मिलके चलना है और हम उसी लाइन पे चलेंगे। हमारे अंदर अगर कुछ लोग जैसे सेक्रेटरी जनरल आए या कुछ और लोग जो अब इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने में लगे हैं, उनको भी चेक करना है। जो आप कह रहे हो 123 मेंबर है वो उनका काम है, बट सरकार के साथ हम सब मिलके बैठेंगे, इकट्ठे बात करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। आपको लगता है कि सरकार को आप ठीक ढंग से समझा नहीं पाएंगे? नहीं, समझाने की बात नहीं, ये चीज़ चलती आ रही है। हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ गलत लोग हों, तो हमको उस इश्यू को सॉर्ट आउट करना है। राधर सरकार हमें पूरी हेल्पफुल रही है, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे एशियन गेम्स। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सोमवार को?
मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। नहीं सुनने में आया कि आप लोग जाएंगे। नहीं मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में नहीं जाता। तो बस एक और लास्ट क्वेश्चन तो क्या इसके लिए आप लोग पूरी तैयारी करके बैठे कि 19 आप एजीएम तो होगा जी। एजीएम होगा भाई, कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इलेक्शन नहीं करिए तो इलेक्शन नहीं करेंगे, एजीएम तो होगा भाई। अगर कोर्ट की कुछ डायरेक्शन है, आपको उस एजीएम में कुछ करना है तो हम उसको फॉलो करेंगे ना। अब सेक्रेटरी जनरल अकेला थोड़ी फैसला कर लेगा कि एजीएम होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं। मेरठ से जनवाड़ी न्यूज के लिए ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट।